क्या आप लोगों की मांगे? हम लोग भारतीय डाक विभाग के कर्मचारी हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय डाक विभाग में दो श्रेणी के कर्मचारी हैं, एक रेगुलर कर्मचारी हैं और एक जो ग्रामीण डाक क्षेत्र में सेवा देते हैं वो कर्मचारी हैं, जिसमें से 80% लोग हम ही लोग हैं। डाक विभाग का रीड कहा जाता है इनको, ग्रामीण डाक सेवकों को, लेकिन आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी डाक विभाग के GDS भाई शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। क्या मांगे क्या है आप लोग, क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो पहले कार्यावधि के आधार पर नियुक्तियां होती थी, लेकिन आज कार्य पिछले समय से कई गुना बढ़ चुका है। 3-4 घंटे का हम लोगों का कार्यावधि है, लेकिन अपने कार्य को संपादित करने के लिए हमको 8 से 10 घंटे तक का समय देना पड़ता है, और जो अतिरिक्त कार्य उच्च अधिकारियों द्वारा हम लोगों को दबाव पूर्वक कराया जाता है। आज सेंट्रल का नौकरी का के उच्च शिक्षित हमारे नवयुवक साथी जो आप देख रहे हैं, जो दूसरे प्रांत से ऊंची नौकरी के सेंट्रल का जो सुविधा मिलेगा, इस लालसा से आए हैं, जो उन लोगों का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या चाह क्या रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि रेगुलर कर्मचारी का हम लोगों को दर्जा दिया जाए, जो 3-4 घंटे का जो कार्यावधि जो पिछले अंग्रेजों के शासन के समय से आ रहा है वो बंद होना चाहिए, और हम लोगों को रेगुलर करते हुए सरकारी नौकरी में जो दर्जा देना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। हम लोग पब्लिक सेवा में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे नरेंगा है, वृद्धा प्रस्ताव पेंशन है, निराश्रित वगैरह है, और खाता खोलना है, RD है, SB है, और IPB का खाता है, जो किसान सम्मान निधि वाला जो पैसा आता है, बीमा का भी काम करते हैं हम। ऐसा लगभग प्राय बैंकिंग डाक वाला काम जैसे रजिस्टर लेटर है या उससे संबंधित DP है, अन्य वगैरह जो जरूरी चीज है वो सब हम लोग संपादित करते हैं। हम लोग पत्र बांटने का काम, पत्र बांटने का भी काम करते हैं हम ही लोग करते हैं। मौजूद क्या नहीं मिल रहा है जिसके हम लोगों को मेन है, जो नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। हम लोग पार्ट टाइम के कर्मचारी कहलाते हैं, तो हमारी मांग मेन ये है कि हम लोग रेगुलर हो, जो नियमित कर्मचारी को जो सुविधा मिलता है वो सुविधा हमको भी मिले। तब तक जारी रहेगी हड़ताल, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोगों की मांग पूरा ना हो। तरह की कार्य अवधि 4 घंटे की है, लेकिन हमारा जो काम है और इतना ज्यादा वर्क लोड है कि वो 8 घंटे और 10 घंटे में भी पहुंच रहे हैं, तो जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि वो जो 4 घंटे लिखा हुआ 4 घंटे है, लेकिन काम हम 8 घंटे दे रहे हैं, तो वो कार्य अवधि को लिखित रूप में 8 घंटे किया जाए, जिससे हमारा सैलरी भी बढ़े और हम वो पूरा काम अपने 8 घंटे में अच्छे से सहायता पूर्वक सभी को, पब्लिक को भी सेवाएं हो, क्योंकि 4 घंटे गांव में खुलता है पोस्ट ऑफिस, तो वहां भी कस्टमर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनको अगर जमा निकासी करना है तो 4 घंटे का टाइम रहता है। जो इम्प्लॉई है वो भी 4 घंटे जमा निकासी पूरा नहीं कर सकता, उसके साथ कैंप लगाने का भी प्रेशर दिया जाता है, खाते का भी प्रेशर दिया जाता है, IPB वर्क आ गया है बैंकिंग सेवाओं में, उसका भी प्रेशर दिया जाता है, बीमा करने का भी प्रेशर, ये जितनी सुविधाएं वो 4 घंटे में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।